लगातार सुरभि वहां से मौजूद है। सुरभि मुस्कुरा रही है, कुछ बातचीत भी बीच में हो रही थी सुरभि आपकी वहां मौजूद लोगों से। अब आगे जो कार्यक्रम पीछे देख रही हूं तस्वीरें रंग बिरंगी आपके पीछे, अब क्या होने जा रहा है वहां पर? बिल्कुल, आई एम सॉरी फॉर इंटरप्टिंग द फ्रेम कि मैं बीच में बातचीत करते हुए नजर आई प्रीति, लेकिन यहाँ मैं जानना चाहती थी, उन टीचर्स के साथ बात कर रही थी जो बता रही है कि किस तरीके से सेंट फ्रांसिस अमृतसर के ये 6 स्टैंडर्ड से 8 स्टैंडर्ड के बच्चे हैं, यानी 10 साल से बड़ी उम्र के वो बच्चे जो यहाँ के टेम्परेचर को नहीं देख रहे बल्कि उनका जोश हाई होता जा रहा है। और यहाँ पर लोगों की मौजूदगी कुछ मिनट पहले की नहीं है, दोपहर 12 बजे से यहाँ पर लोग पहुँचना शुरू हो गए। और दोपहर 12 बजे का वो वक्त जब पारा बिल्कुल पीक पर और गर्मी इतनी ज़्यादा, लेकिन उसी गर्मी का एहसास ना करते हुए लोगों का देश के प्रति वो जोश है जो बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से एक्सपर्ट्स आपके साथ यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं ना युवाओं की, वो युवा जोश यहाँ पर देखने को मिलता है। क्योंकि जब आप इन युवाओं से बात करते हैं, मैं कोशिश करूँगी इस परफॉर्मेंस के बाद इन बच्चों से भी बातचीत करूँ, और मैं यही जानने की कोशिश कर रही थी कि ये क्या उम्र के बच्चे हैं, किस तरीके से इंडिपेंडेंस डे के इस खास मौके पर खास तैयारी का वो हिस्सा बनने पर गर्व महसूस करते हैं। क्योंकि ये 6ठी से 8वीं कक्षा तक के बच्चे हैं, यानी 10 से 14 साल की उम्र के बच्चे जिनकी ये खास परफॉर्मेंस इस वक्त यहाँ पर जारी है। लगातार हम दिखा रहे हैं अटारी वाघा बॉर्डर से, जहां पर अलग अलग स्कूल के बच्चे वहां पर अपनी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं, और इन्हीं परफॉर्मेंसेस को देखने के लिए देश के अलग अलग जगहों से लोग पहुंचते हैं अटारी वाघा बॉर्डर। सलाम किया जा रहा है इन बच्चों को, कुछ लोगों ने स्टैंडिंग ओवेशन भी दिया इन बच्चों को, जैसे ही उन्होंने ड्रम के ऊपर खड़े होते हुए खास पोजीशन लेते हुए झंडे को फहराया। और यही वो खास पल है जहां पर देखिए कि किस तरीके से पिछले 10 मिनट से ये खास परफॉर्मेंस उन छोटे छोटे बच्चों की चल रही है, जो आज के इस खास मौके पर इसके महत्व को समझते हैं, इस दिवस को। जिस तरीके से मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था, भले ही इतिहास के पन्नों में ये एक स्वर्णिम दिवस है, लेकिन दिवस के रूप में कैसे हर तरीके से इसे खास बनाने की ये बच्चे कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लगातार नमस्कार सर, तस्वीरें दिखा रहे हैं, गीता और शौर्य को सभी सलाम कर रहे हैं। मैम, क्या उम्र है आपकी और कहां से आई हैं? हाँ। क्या उम्र है मैम आपकी? मेरी 70। हाँ जी, 70। 70। कहां से आई हैं आप? बॉम्बे। बॉम्बे से आई हैं इस खास पल के लिए, यही देखने के लिए स्वतंत्रता दिवस मनाने। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। मैम की 70 एज है आपकी? जी जी, हमारी फैमिली है, हम लोग बॉम्बे 80 है। यानी सभी पीढ़ियां एक साथ? जी जी। किस उम्र से यहाँ पर सब लोग आपके साथ हैं? आपकी फैमिली के बारे में बताइए, कहाँ से आए हैं? अरे वो उसका गजेंद्र सिंह। यस। यू फ्रॉम बॉम्बे, आप मुंबई से आई हैं? यस यस। ओके,